ऑसिलेटरी मोशन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम जो फोर्स अप्लाई करें, जैसा कि पेंडुलम को भी मूवमेंट कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ती है, सिमिलरली हम लोगों को स्प्रिंग को भी मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ती है। तो अगर हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि हमने जो फोर्स अप्लाई की है, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, हर चीज़ की अपनी कोई ना कोई नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी होती है, यानी कि अगर ये वाली हमारी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि जैसे अगर मैं आपको जैसे किसी सिचुएशन में देखें कि अगर आप स्प्रिंग को इतनी फोर्स दें कि ये जो स्प्रिंग है इसकी कोई अपनी भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, अक्सर औकात होता है कि अगर हवा की फ्रिक्वेंसी या हवा की रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से भी हल्का हल्का सा झूलता रहता है, लेकिन अगर आप उस पर कोई फ्रिक्वेंसी लगाते हैं, आप फोर्स अप्लाइड करते हैं और आपकी जो फोर्स अप्लाइड की गई है उसकी फ्रिक्वेंसी इस स्प्रिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अगर मैचअप कर जाती है, मैच कर जाती है, तो एज अ रिजल्ट ये जो स्प्रिंग है ये बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो जब ऐसा एक कोई पॉइंट आ जाए कि हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की जो वाइब्रेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए या उसके बराबर आ जाए, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये फिनोमिना है हमारे पास रेजोनेंस कहलाता है, ये रेजोनेंस कहलाता है, यानी ऐसा फिनोमिना जिसमें जो है हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए वाइब्रेटिंग बॉडी के, तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो मज़ीद ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट शुरू कर देती है, उसकी जो ऑसिलेटरी मोशन की जो जिस तरह से वो मूव करती है, यानी कि उसकी वाइब्रेटरी मोशन है बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो अक्सर हो गया। इसी तरह अगर आप पेंडुलम की देखें, पेंडुलम भी जो है वो बात अवकात अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ही मूवमेंट शो कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इससे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं और उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैचअप कर जाए, तो एज अ रिजल्ट हमारा पेंडुलम बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है, सिमिलरली हमारे स्किन के साथ भी रिजल्ट होता है, और मुख्तलिफ ऑसिलेटरी मोशन शो करने वाली जो फिनोमिना है, जो भी बॉडीज हैं जो ऑसिलेटरी मोशन शो करती हैं, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी हमारी अप्लाइड की हुई फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए तो रेजोनेंस का फिनोमिना वहाँ पर अकर हो जाता है। रेजोनेंस की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर मैं वुडन ब्रिज की बात करूँ जिस पर मार्किंग की जाती है, ये वुडन ब्रिज इस पर जब मार्किंग की जाती है, जब आर्मी बहुत ही तेज़ी से इसके ऊपर गुजरती है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो ब्रिज है ये वुडन का बना हुआ है, इसकी ये दो जो है रस्सियाँ इससे ही अटैच होता है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, इसकी अपनी भी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है जिसके साथ ये लाइटली मूव कर रहा होता है, कितना महसूस नहीं होता, लेकिन जब इसके ऊपर आर्मी मार्किंग करती हुई गुजरती है और इतनी तेज़ी से वो लोग अगर मार्क कर रहे हो कि उनकी जो फोर्स अप्लाई की जा रही है इस ब्रिज के ऊपर, उसकी फ्रिक्वेंसी इस ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए, तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो ब्रिज है ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट शुरू कर देता है, बहुत तेज़ी से इसका एम्पलीट्यूड भरना शुरू हो जाता है इस वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि अक्सर ये जो ब्रिज है ये दरमियान से ये किसी भी पॉइंट से टूट जाता है, कोलैप्स भी कर जाता है, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गई हमारी अप्लाइड फोर्स की, तो एज अ रिजल्ट ये भी हो सकता है, बल्कि होता है कि जो ब्रिज है ये कोलैप्स कर जाता है, यानी कि रेजोनेंस इतनी ज़्यादा भर जाती है कि ब्रिज अक्सर औकात दरमियान से किसी भी एक पॉइंट से टूट जाता है। इसके अलावा रेजोनेंस की एग्जांपल में आप रेडियो की एग्जांपल ले सकते हैं। रेडियो में रेजोनेंस का फिनोमेना इस तरह से अक्सर होता है कि रेडियो की जो वायर है ये डिफरेंट रेडियो जो रेडियो वेव्स है वो रिसीव करता रहता है डिफरेंट स्टेशन से, हम क्या करते हैं कुछ फोर्स अप्लाई करके इसकी नोब पर फ्रिक्वेंसी सेट करते जाते हैं, जैसे कि आप FM 100 और इस तरह के FM 106 इस तरह के मुख्य FM रेडियो स्टेशन पर सुनते रहते हैं, तो वो इस तरह से आते हैं कि ये जो है आपका ये जो है एंटीना या जो भी चीज़ है ये रेडियो वेव को रिसीव कर रहा होता है मुख्य स्टेशन से, सभी स्टेशन से इसके पास वेव्स आ रही होती हैं, उनकी कोई ना कोई अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, और जो फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर इस नोब के जरिए दे रहे हैं अगर वो फ्रिक्वेंसी आने वाली फ्रिक्वेंसी से मैचअप हो जाए तो आपको उस स्टेशन की जो है वो साउंड वगैरह सुनाई देना शुरू हो जाती है,
तो ये भी जो है वो रेजोनेंस फिनोमेना से होकर होता है कि आपकी अप्लाई की जाने वाली फ्रिक्वेंसी या जिस फ्रिक्वेंसी से पर आप अपना रेडियो सेट कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अगर उस रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है जहाँ से रेडियो वेव्स आ रही हैं, तो आपको उस स्टेशन से जो है नशर होने वाली नशरियात या साइंसें सुनाई दे सकती हैं। इसी तरह आप इसकी एग्जाम्पल में ओवन की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन की। जैसे कि लगते हैं कि ये हमारा एक माइक्रोवेव ओवन है, ये माइक्रोवेव ओवन है। इस ओवन के अंदर ये होता है कि हम अगर कोई भी चिकन रखते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी हम लोग पकाना चाह रहे हैं इस ओवन के अंदर, तो इस ओवन के अंदर हर तरफ से माइक्रोवेव्स आ रही होती हैं, उनके वेव्स आ रही होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 2450 हर्ट्ज़ के इक्वल होती है। और उनकी जो वेवलेंथ है उन वेव्स की जो इसके अंदर आ रही होती है इस चीज़ को कुक करने के लिए, जो भी आपने इसके अंदर रखा है, जो भी मीट वगैरह आपने इसके अंदर रखा है या कोई भी डिश है जिसे आप पकाना चाहते हैं, तो जो वेव उससे आ रही होती है रेडियो एक्टिव वेव, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर के इक्वल होती है और फ्रिक्वेंसी उनकी इतनी होती है। अब क्या होता है कि जो आपकी आपको मालूम है कि हर वेजिटेबल हर मीट में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये रेडियो एक्टिव वेव जो आपके वाटर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है आपकी वेजिटेबल या मीट के अंदर ड्यू टू देयर जो रेजोनेंस है उनकी रेजोनेंस की वजह से ये जो माइक्रो जो वेव्स आ रही होती हैं रेडियो एक्टिव वेव या जो भी वेव इस मीट को या इस डिश को कुक कर रही होती हैं वो वेव जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर की रेजोनेंस के दौरान, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा था वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपका जो मीट है या आपका जो भी डिश है वो जल्दी से कुक हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जो ओवन है वो भी माइक्रोवेव ओवन जो है वो भी रेजोनेंस के प्रोसेस में ही आता है, और रेडियो स्विंग और ये मुख्य किस्म के ब्रिजेस वगैरह ये भी रेजोनेंस की ही एग्जाम्पल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेजोनेंस उस वक्त अकर होती है जब किसी भी अप्लाई की जाने वाली फोर्स की फ्रिक्वेंसी उस वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैचअप कर जाए, तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमिना अकर हो गया और वो बॉडी जो है वाइब्रेटिंग बॉडी बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूवमेंट करना शुरू कर देती है।